गाइस एक कंपैरिजन ये भी बनता है, निंजा कॉलिंग के साथ मैंने कर दिया निंजा वेल का कंपैरिजन, बट फायरबोल्ट निंजा कॉल 2 के साथ भी बनता है, क्योंकि कॉल 2 वर्सेस फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग दोनों का ही मैंने कंपैरिजन अलग से कर रखा है। कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, एक में आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है बट एक में नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे निंजा कॉल 2 वर्सेस निंजा बेल के बारे में। निंजा बेल अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, आप इसको जाके ग्रैब कर सकते हो। अगर 100 खूब सुपर कॉइंस हैं आपके पास तो और सस्ती पड़ जाएगी 100 रुपये, तो आप ग्रैब ऑन कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वैसे आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूट्यूब पे पूरा सर्च कर लो, पूरे हर एक चैनल पे आपको इस चैनल से बेटर डील्स या कूपन्स या कह सकते हो लाइटनिंग डील्स या जो भी अपडेट्स हैं सबसे पहले हमारे चैनल पे आते हैं। आप सभी के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो जरूर। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। मैं हमेशा हर पर्सन से बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, तीन चीज़ें देखनी चाहिए आपको हर एक मतलब वॉच में, पिक्सल साइज, पिक्सल डेंसिटी और पीक ब्राइटनेस। तो यहाँ पे पिक्सल साइज की बात करें ऑलमोस्ट सिमिलर, TFT डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही, स्लाइटली बढ़ाना चाहिए कंपनी को। यहाँ पे पिक्सलेट होती है पिक, अगर आप अपनी पिक को एज अ वॉचेस लगाते हो दोनों ही वॉचेस में। आगे बात करें रेस्ट टू पिक मिल जाता है, 2.5D कर्व ग्लास भी यूज किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने। और शार्पनेस की बात में करो तो यहाँ पे निंजा बेल में शार्पनेस बेटर है, और पीक ब्राइटनेस की बात करो तो निंजा बेल फिर आगे निकल जाती है, तो निंजा कॉल 2 हमारी पीछे रह जाती है। यहाँ पे बात आती है वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, एनालॉग वॉच फेसेस मिल जाते हैं बट लाइव वॉच फेसेस का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको निंजा बेल में मिलते हैं। IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है आपको, 80% एक्यूरेसी मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट बेटर है ना, ऑब्वियसली बात है फिटनेस मोड्स में आपकी निंजा बेल बेटर है। बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से निंजा बेल आगे निकल जाएगी। कॉलिंग फीचर दोनों मिलता है, स्पीकर माइक का सपोर्ट मिल जाता है, नंबर डायल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, 20-30 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर पाओगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्पीकर माइक का सपोर्ट तो है ही है, यहाँ पे स्पीड डायल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कॉल कट म्यूट रिंगटोन के थ्रू आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ तो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है बट मैं कहूँगा ठीक है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, थिएटर मोड, साथ में आपको टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे बात करें 5.0+3.0 देखने को मिलता है। फाइंड माई फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। 3-2 गेम्स भी मिलते हैं निंजा कॉलिंग 2 में, मतलब निंजा कॉल 2 या निंजा कॉलिंग में दोनों में ही आपको गेम्स मिल जाते हैं, बट निंजा बेल में आपको गेम्स नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे यूनिक चीज़ है, यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब निंजा बेल में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, एक्चुअली निंजा कॉल 2 में नहीं मिलता। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वाइज यहाँ पे निंजा बेल आगे है, और यहाँ पे आई वॉच वाला मेन्यू और लिस्ट वाला मेन्यू दोनों में मिल जाता है। कस्टम यूआई यूज़ किया गया, सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में ही, 10 दिन करंट टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर। मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, साथ में एक्चुअल यूज़ की बात करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 5 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो, बट अगर आप कॉलिंग भी यूज़ कर रहे हो तो 2 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। आपके यूजेस पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं क्लेम नहीं कर सकता। मेन फीचर्स की बात आती है, HR मॉनिटर मिल जाता है, SP2 मॉनिटर का ऑप्शन है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्ट्रेस ट्रैकिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, ब्रीद रिलैक्स का मोड, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको दोनों ही वॉचेस में। कहना चाहूँगा यहाँ पे एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर है निंजा बेल की एज कम्पेयर टू निंजा कॉल 2। बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं, यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी मिलती है। एल्युमिनियम का डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट, 22mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर पाओगे। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, और एक में TPU है। वॉच डायल और बेस, मतलब वॉच डायल तो मेटल है दोनों में ही, और बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे निंजा बेल मेरे को ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, बेटर लग रही है। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है निंजा कॉल 2 वैसे तो 299 रुपीज़ में, बट निंजा बेल आपकी सेम प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल जाती है 299 में। 100 अगर सुपर कॉइन्स है तो आपको 2899 में मिल जाएगी। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी निंजा बेल ही है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस बेटर है, स्पोर्ट्स मोड बेटर मिल जाते हैं, एक्यूरेसी बेटर है, और ओवरऑल यहाँ पे जो लुक और फील निंजा बेल का थोड़ा सा एप्पल लुक की तरह आता है, तो यहाँ पे 2 बटन भी देखने को मिलती हैं, तो निंजा बेल हमारी जीत जाती है निंजा कॉल 2 से। आप क्या क्या कहना है इस वीडियो को शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।